नमस्कार। दैनिक जागरण के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि धनिया की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और किसान भाइयों को उनसे कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से निवेदन है और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं धनिया की उन्नत किस्मों की विशेषताएं और पैदावार। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए किसान भाइयों को। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज देने वाली तथा विकार रोध द्विगुणों वाली किस्म होनी चाहिए वह। इन सब के लिए कृषकों को धनिया की किस्मों के प्रति जागरूक होना होगा, यानी उनकी जानकारी आपको रखनी होगी, जिससे इसकी फसल से भरपूर पैदावार के साथ साथ उत्पादन लागत भी कम होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप उन कुछ प्रचलित किस्मों की जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि आप धनिया की उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, उसके लिए यहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो सुनना चाहते हैं तो वह भी उपलब्ध है। धनिया की उन्नत किस्मों में सबसे पहले किसान भाइयों, इशार सुगंध। इस धनिया की उन्नत किस्म का दाना मध्यम आकार का, अच्छी सुगंध, पौधे मध्यम ऊंचाई के, उकठा सटेम गाल प्रतिरोधक और फसल अवधि यानी पकने की 120 से 125 दिन तथा इस किस्म की पैदावार क्षमता 19 से 21 क्विंटल तक किसान भाइयों को मिल जाती है। उसके बाद है किसान भाइयों RCR 41। इस किस्म के दाने छोटे टाल वेराइटी यानी लंबाई वाली वेराइटी है, गुलाबी फूल, उकठा एम स्टेम गाल प्रतिरोधक, बबूत या सेंसिल पत्तियों के लिए उपयुक्त किस्म है। यदि किसान भाई हरी पत्ते विपणन करना चाहते हैं तो 0.25% तेल की मात्रा और फसल पकने की अवधि 130 से 140 दिन है तथा इसकी उपज क्षमता 9 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है। उसके बाद है किसान भाइयों कुबराज। इस धनिया की उन्नत किस्म के दाने छोटे सफेद फूल, उकठा स्टेम गाल बबूत या सेंसिल है, पौधे मध्यम ऊंचाई के और फसल पकाव की अवधि इसकी 115 से 120 दिन है तथा उत्पादन क्षमता 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। उसके बाद है किसान भाइयों RCR 435। इस धनिया की उन्नत किस्म के दाने बड़े जल्दी पकने वाली किस्म, पौधों का आकार झाड़ी नुमा वर्दी है, उकठा स्टेम गाल बबूत या सेंसिल और फसल पकने की अवधि 110 से 130 दिन है तथा औसतन पैदावार इसकी 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। उसके बाद है किसान भाइयों RCR 436। इस किस्म के दाने बड़े शीघ्र पकने वाले, उकठा स्टेम गाल बबूत या सेंसिल और फसल तैयार होने की अवधि 90 से 100 दिन है तथा औसतन पैदावार 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है। उसके बाद है किसान भाइयों RCR 440। इस धनिया की उन्नत किस्म के दाने मध्यम आकार के, शाखाएं सीधी, पौधे मध्यम ऊंचाई के, अधिक पत्ती वाले, हरी पत्तियों के लिए उपयुक्त, उकठा स्टेम गाल बबूत या सेंसिल ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और फसल पकाव अवधि 110 से 130 दिन है। उपज क्षमता इसकी 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। उसके बाद है किसान भाइयों GC 2, जिसको गुजरात धनिया 2 के नाम से जानते हैं। इस किस्म के दाने मध्यम आकार के, मध्यम ऊंचाई के पौधे, असीमित शाखाएं, गहरी हरी पत्तियां, उकठा स्टेम गाल बबूत या सेंसिल हरी पत्तियों के लिए उपयुक्त किस्म है। 110 से 115 दिन में पकने वाली है और इसकी पैदावार क्षमता 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। उसके बाद है किसान भाइयों RCR 600 684। इस किस्म के दाने बड़े अंडाकार, भूसा कलर बोनी किस्म, उकठा स्टेम गाल बबूत या सेंसिल माओ कीट के प्रतिरोधी है और फसल पकने की अवधि 110 से 120 दिन है तथा उपज क्षमता इसकी 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक
पाई गई है। उसके बाद किसान भाइयों, पंत अरिथमा इस धनिया की उन्नत किस्म के दाने गोल मध्यम आकार के पौधे मध्यम ऊंचाई के उखटा स्टेम गोल बबूत या प्रतिरोधक बीज एवं पत्तियों के लिए उपयुक्त किस्म है। फसल पकाव अवधि 120 से 125 दिन है तथा पैदावार क्षमता इसकी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। उसके बाद है किसान भाइयों, शैम्पू S33 दाने बड़े अंडाकार पौधे मध्यम ऊंचाई के उखटा स्टेम गोल प्रतिरोधक बबूत या सहनशील बीज के लिए उपयुक्त किस्म है। 140 से 150 दिन में पकने वाली किस्म है और औसतन पैदावार 18 से 20 क्विंटल है इसकी। उसके बाद है JD1 इस धनिया किस्म के दाने गोल मध्यम आकार के पौधे मध्यम ऊंचाई उखटा निरोधक और स्टेम गोल बबूत या सहनशील सिंचित एवं असिंचित के लिए उपयुक्त और फसल तैयार होने की अवधि इसकी 120 से 125 दिन है तथा पैदावार क्षमता 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है। उसके बाद है किसान भाइयों, ACR1 यह धनिया की उन्नत किस्म 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। इसके दाने छोटे गोल पौधे मध्यम ऊंचाई के उपटा स्टेम गोल प्रतिरोधक बबूत या सहनशील पत्तियों के लिए उपयुक्त किस्म है। औसतन पैदावार इसकी बीज की 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। उसके बाद है किसान भाइयों, CS6 इस किस्म के दाने गोल मध्यम आकार के पौधे मध्यम ऊंचाई के उपटा स्टेम गोल प्रतिरोधक बबूत या सहनशील और 115 से 120 दिन में पकने वाली तथा औसतन पैदावार 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। RCR480 दाने मध्यम आकार के पौधे मध्यम ऊंचाई के उखटा स्टेम गोल बबूत या निरोधक सिंचाई के लिए उपयुक्त किस्म है। औसतन पैदावार 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसकी फसल पकाव अवधि 120 से 125 दिन है। RCR 728 दाने छोटे गोल सफेद फूल बबूत या सहनशील उगटा स्टेम गोल निरोधक सिंचित असिंचित एवं हरी पत्तियों के लिए उपयुक्त किस्म है। औसतन पैदावार क्षमता 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 125 से 130 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। तो ये तो थी किसान भाइयों कुछ प्रचलित और उन्नत किस्में जो पैदावार में अच्छी हैं। यदि आपके क्षेत्र की कोई अन्य किस्म है प्रचलित है अच्छी पैदावार वाली है और रोग विकार रोधी है तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपके लिए एक ही सुझाव है, आप अपने क्षेत्र की और प्रचलित और रोग यानी विकार रोधी किस्म का चुनाव कीजिए जो कि आपकी परिस्थितियों के अनुसार हो। जैसे आप कम समय वाली चुनते हैं या अधिक समय वाली चुनते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी किस्म का चुनाव करके ही आप फसल उगाइए। तो ये तो थी किसान भाइयों धनिया की कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी। आपको यदि अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक हमारा वीडियो पहुंचाने के लिए इसको लाइक और शेयर कीजिए। और यदि वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।